नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बड़ी खबर से आपको सबसे पहले रूबरू करवा दें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार को समन भेजा गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा गया है। आपको बता दें, डीके शिवकुमार को समन भेजा गया है। डीके शिवकुमार को ईडी का समन है और 7 नवंबर को पेश होंगे वो। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, केरल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डीके शिवकुमार। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निभा रहे हैं, उसमें अहम रोल शिवकुमार। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर समन भेजा गया है डीके शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। आईटी की कार्रवाई के दौरान 800 करोड़ रुपए का घोटाले का पता चला था। डीके शिवकुमार को 2019 में किया गया था गिरफ्तार। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, ईडी डीके शिवकुमार की पत्नी और मां को भी भेज चुकी है समन। तो ईडी ने केरल कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को 7 नवंबर के लिए समन जारी किया है और उनसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की जाएगी। शिवकुमार इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अहम रोल अदा कर रहे हैं और डीके शिवकुमार पर आईटी की कार्रवाई के दौरान 800 करोड़ रुपए के बेहिसाब आय का पता चला था। बताते चलें कि जिसके बाद से ही ईडी ने ही पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर डीके शिवकुमार को 2019 में गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। तो इस केस में ही ईडी डीके शिवकुमार पत्नी और मां को भी समन कर चुकी है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर डीके शिवकुमार को ईडी का समन भेजा गया। ईडी ने केरल कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को 7 नवंबर के लिए समन जारी किया है। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी पूछताछ की जाएगी। शिवकुमार इन दिनों कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में अहम रोल अदा कर रहे हैं। बता दें आपको कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनका रोल अहम है, जिसके बाद अब ईडी का शिकंजा उन पे कसता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, जहां पर हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस जारी करेगा घोषणा पत्र। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए अब कांग्रेस जारी करेगा घोषणा पत्र। आज जारी होगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, करीब 11 बजे शिमला के कांग्रेस कार्यालय में ही जारी होगा मैनिफेस्टो और पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और कांग्रेस की इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की कोशिश में जुटी हुई है और इसी कड़ी में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 11 बजे ही शिमला के HPCC कांग्रेस कार्यालय में हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होगा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अब करीब 11 बजे शिमला के कांग्रेस कार्यालय में मैनिफेस्टो जारी होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस जारी करेगा घोषणा पत्र। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर, जहां पर अब कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करेगा करीब 11 बजे। बताया जा रहा है कि सुबह के 11 बजे वरिष्ठ कांग्रेस नेता घोषणा पत्र जारी करेंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पे नरेला की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। बता दें कि नरेला की फैक्ट्री है, जहां पर ये भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर रवाना हो चुकी हैं। आग से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली के ही नरेला इलाके में मौजूद एक फैक्ट्री में ही भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक फायर की करीब 6 गाड़ियों को मौके पर रवाना कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की कवायद जो है लगातार जारी है।
एक और खबर से आपको रूबरू करवा दें। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज मिशन हिमाचल प्रदेश पर पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें। पहले अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग डेरा का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और हिमाचल में भारी संख्या में व्यास डेरा के अनुयायी हैं। और हिमाचल में ही सुंदरनगर और सोलान में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। हिमाचल चुनाव को लेकर तैयारियां जो थी लगातार जारी थी, वहीं कांग्रेस भी घोषणा पत्र जारी कर रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी की आज हिमाचल में रैली है। आपको बता दें कि पहले अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग डेरा का दौरा करेंगे, उसके बाद हिमाचल में रैली करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो पहले अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग डेरा का दौरा करने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और उसके बाद हिमाचल में भारी संख्या में व्यास डेरा के अनुयायी, और हिमाचल में ही सुंदरनगर और सोलान में पीएम नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री जय नारायण व्यास ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव से पहले इस्तीफे की खबर सामने आई है। गुजरात चुनाव से पहले बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर पूर्व मंत्री जय नारायण व्यास ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी नेता जय नारायण व्यास ने 32 साल का पुराना नाता तोड़ दिया है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं सिद्धपुर का कर्ज चुकाना चाहता हूं। जय नारायण व्यास ने बड़ा बयान दिया, कहा सिद्धपुर का कर्ज चुकाना चाहता हूं और मेरे पास राजनीति के लिए दो विकल्प हैं। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ा बयान दे रहे हैं जय नारायण। कह रहे हैं कि मेरे पास राजनीति के लिए दो विकल्प हैं और मैं कांग्रेस या आप में शामिल हो जाऊंगा। उन्होंने साफ तौर पर बयान दे दिया है कि मैं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चुनाव से पहले बड़ा अपडेट आपको बता दें कि बीजेपी नेता जय नारायण व्यास ने इस्तीफा दे दिया है और साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। बता दें आपको कि गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद हलचल तेज हो गई है और नाराजगी के बाद से ही पार्टी का दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं। और जहां एक और गुजरात विधानसभा के पूर्व सदस्य इंद्रनील राजगुरु ने ही आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, वहीं दूसरी ओर गुजरात में बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके जय नारायण व्यास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और जय नारायण व्यास के इस्तीफे के बाद से ही कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। वही खबरों की माने तो जल्द ही कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं जय नारायण। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि व्यास के दोनों पार्टियों से बीते दिनों करीबी देखी गई है और इस बार गुजरात का रण रोचक होता दिख रहा है। और गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में खड़ी नजर आ रही है, और जिसकी सक्रियता की वजह से गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। और यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि गुजरात के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जय नारायण व्यास 2007 से लेकर 2012 तक प्रदेश सरकार में मंत्री के पद पर अपनी सेवा दे चुके और काफी वक्त से बीजेपी उन्हें भाव नहीं दे रही थी। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर जय नारायण का इस्तीफा सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी में वो जा सकते हैं। तो बीजेपी को गुजरात चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है, जहां पर पूर्व मंत्री जय नारायण ने इस्तीफा दे दिया। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा और गाजियाबाद में अब एयर इमरजेंसी है। जी हाँ बिल्कुल, 400 के पार हुआ है AQI। तो बड़ी खबर सामने आ रही है पॉल्यूशन को लेकर, जहां पर बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाए AN95 मास्क जरूर लगाए। डॉक्टर जो है ये निवेदन कर रहे हैं लगातार लोगों से। आपको बता दें कि BS6 के इंजन नहीं होने पर चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है पॉल्यूशन को लेकर, 400 के पार AQI हो गया है और 8वीं तक के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं।
हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, पाइपलाइन आदि के प्रोजेक्ट से जुड़े कंस्ट्रक्शन जो है वो भी रोक दिए गए हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर नोएडा और गाजियाबाद में अब एयर इमरजेंसी देखने को मिल रही है। 400 के पार AQI हो चुका है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाए, ऐसा डॉक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं। BS6 के इंजन नहीं होने पर चार पहिया को मंजूरी है। और बता दें आपको कि हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, पाइपलाइन आदि के प्रोजेक्ट से जुड़े कंस्ट्रक्शन जो है उन पे भी पाबंदी की घोषणा हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।